हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टिकट फॉर सक्सेस इस वीडियो में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के जी पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस एंड स्ट्रेटी के बारे में देखेंगे सबसे पहले देखते हैं एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम होगा दो घंटे का पेपर होगा पेपर में दो पार्ट है पार्ट वन में चालीस क्वेश्चन एफ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस डी जनरल इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे पार्ट टू में अस्सी क्वेश्चन डिसप्लिन से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और क्वेश्चन गलत होने पे पॉइंट टू फाइव नंबर कट जाएगा वन बाई फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है पेपर बस इंग्लिश में आएगा और मिनिमम अन और ई डब्ल्यू एस के लिए मिनिमम नंबर पचास परसेंट लाना जरूरी होगा और ओ बी सी एस सी एस टी के लिए मिनिमम चालीस परसेंट नंबर लाना जरूरी होगा रिटर्न टेस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटर्न टेस्ट है उसके बाद इंटरव्यू है तो रिटर्न टेस्ट के नंबर का अस्सी परसेंट वेटेज होगा और इंटरव्यू का बीस परसेंट इस आधार पर मेरिट बनेगा अब देखते हैं सिलेबस सबसे पहले टेक्निकल का देखते हैं सिलेबस टेक्निकल में क्वेश्चन के लेवल गेट के लेवल से इजी होना चाहिए सी के पेपर जैसा क्वेश्चन आना चाहिए टेक्निकल का सी का प्रीवियस ईयर पेपर मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा आपको मेकेनिकल में, में ज़्यादातर वेटेज प्रोडक्शन का होना चाहिए बीस के आसपास क्वेश्चन प्रोडक्शन से आ सकता है देखते हैं सिलेबस इंजीनियर मैकेनिक्स मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल थियोरी ऑफ मशीन वाइब्रेशन मशीन डिजाइन फ्लूड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफर थर्मोडाइनमिक्स अप्लीकेशन है ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन मेटोलॉजी एंड इंपेक्शन सी आई एम प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल ऑपरेशन रिसर्च इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन यही इसका सिलेबस है इंडस्ट्रियल से भी वेटेज अच्छा खासा हो सकता है क्वेश्चन का पाँच आ सकता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन रिसर्च से एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं है तो इसके वजह से आप लोग आर एस में या आर के जैन आर के जैन ठीक से पढ़ लीजिएगा और डेली एक से डेढ़ घंटे जो भी आप लोग नोट्स बनाए होंगे रिवीजन करिएगा आर के का प्रोडक्शन वाला सेक्शन जरूर देख लीजिएगा आप लोग क्योंकि उसमें अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं अब बात करें नॉन टेक्निकल की तो नॉन टेक्निकल में पांच सेक्शन हो जा रहा है तो और चालीस क्वेश्चन आएगा तो एक सेक्शन से आठ क्वेश्चन आना चाहिए रीजनिंग है तो रीजनिंग बैंकिंग लेवल का आ सकता है बैंकिंग लेवल में पजल सीटिंग अरेंजमेंट सहलोगी जिम वगैरह देख लीजिएगा सही से आप लोग जनरल अवेयरनेस में आठ क्वेश्चन आएगा तो चार क्वेश्चन मान के चलिए करेंट अफेयर से आना चाहिए डीआई में पाई चार्ट और बार चार्ट से आना चाहिए एक एक क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन के लेवल एसएससी सीजीएल लेवल का होना चाहिए आप लोग सी का पेपर देख लीजिएगा एक बार मुझे लग रहा है कि सी के पेपर की तरह ही होना चाहिए बस इसमें क्वेश्चन एक आएगा और सी में दो क्वेश्चन आता है एफ की बात करें तो एफ की जो भी वो आपके पास हो तो उससे एक चैप्टर डेली लगाइएगा उस एक चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा दस से पंद्रह क्वेश्चन लगाइएगा काफ़ी है इतना अब स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो एक से डेढ़ घंटा आप लोग टाइम दीजिएगा नोट्स रिवीजन टेक्निकल का और टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव बुक पे दो घंटे टाइम दीजिएगा और एक घंटे डेली प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल वाले सेक्शन पे दे दीजिएगा क्योंकि इनका वेटर ज़्यादा होना चाहिए ये जो भी सेक्शन दिख रहा है आपको वीडियो में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे भी बात करें पार्ट वन के लिए तो पार्ट वन नॉन टेक्निकल के लिए डेली दो घंटे टाइम दीजिएगा आप लोग दो घंटे टाइम काफ़ी है थैंक्स फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक